ये है यूरोप का दूसरा पार्ट, जो जो जिस जो निगेटिव पॉइंट है वो ये निगेटिव पॉइंट है कि हाँ ऐसे भी रहना पड़ता है लोगों को, जब लोग आते हैं नए नए बंदे आते हैं जो उनके साथ कुछ अगर लफड़ा हो जाता है या वो किसी एजेंट के द्वारा फंस जाते हैं या कैसा भी हो जाता है, तो आप गंदगी देखो यहाँ पे किस तरह से गंदगी है। ये चीज़ दोस्तों आपको कोई नहीं दिखाएगा, जो चीज़ मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको आज तक मेरे हिसाब से, तो देखो मैं मुझे किसी यूट्यूबर से ऐसे कोई जलन नहीं है या किसी ने मेरा पैसा नहीं खाया या मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं बोलता हूँ यार। पोलैंड का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, पोलैंड एक यूरोप देश है और वहां पे एक भारतीय वर्कर पहुंच के वहां पे भाई जो सच्चाई दिखाई है आप देख के चौंक जाएंगे कि पोलैंड के अंदर में वर्कर के साथ में कैसे कैसे क्या क्या वहां पर शोषण होता है। भाई वहां पे वर्कर का रूम दिखाने वाला भाई बहुत लोगों का सपना होगा कि हम पोलैंड जाएंगे कमाने के लिए, पोलैंड में ये है, पोलैंड में सैलरी है, वो है वह है। भाई वहां पे जहां पे ज्यादा सैलरी मिलता है वहां पे ज्यादा मुश्किल भी होता है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ पोलैंड, लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान है, दुबई से भी गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए था। पहले आप देखिए पोलैंड का वीडियो कि पोलैंड में एक भारतीय वर्कर कैसे रहते हैं, वहां पे रूम कैसा है, किचन कैसा है, बाथरूम कैसा है, पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं। मैं सिर्फ आपको एक हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया यूरोप कंट्री में भी ऐसे मकान हैं, ऐसे लोग रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें इनका बाथरूम देखो आप कितना गंदा है, यहाँ पे किस तरह से लोग रहते होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप गौर करके इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों कि लोग बाग जब यहाँ आते हैं तो उनकी भी लाइफ ऐसी होती है। देखो आप सब जैसा मैं अरब कंट्री में दिखाया जाता है सेम टू सेम वही कंडीशन है यहाँ भी। मैं आपको जो होता है ना वो जेन्युइनली बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ पता चल सके। यहाँ पे ये रूम देखो, इनका ये किचन है, देखो आप ये किचन की हालत देखो आप। ये है यूरोप का दूसरा पार्ट, जो जो जिस जो निगेटिव पॉइंट है वो ये निगेटिव पॉइंट है कि हाँ ऐसे भी रहना पड़ता है लोगों को, जब लोग आते हैं नए नए बंदे आते हैं जो उनके साथ कुछ अगर लफड़ा हो जाता है या वो किसी एजेंट के द्वारा फंस जाते हैं या कैसा भी हो जाता है, तो आप गंदगी देखो यहाँ पे किस तरह से गंदगी है। ये चीज़ दोस्तों आपको कोई नहीं दिखाएगा, जो चीज़ मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको आज तक मेरे हिसाब से, तो देखो मैं मुझे किसी यूट्यूबर से ऐसे कोई जलन नहीं है या किसी ने मेरा पैसा नहीं खाया या मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं बोलता हूँ यार, जब मैं दिखा सकता हूँ तो वो बंदे भी तो दिखा सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे दूसरा रूप ऐसा भी होता है। पोलैंड में या किसी भी आप कंट्री में जाओ तो उसका दूसरा रूप ऐसा भी है कि आपको यहाँ इस तरह से भी रहना पड़ सकता है। आप देखो सामान देखो इन लोगों का किस तरह से पड़ा, भी कोई बंदा ये इस चीज़ को देख के ये नहीं बोल सकता कि भाई ये पोलैंड जो कि एक शेंगेन कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो पोलैंड बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, उस कंट्री में भी लोग बाग इस तरह से रह सकते हैं। आप देखो यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, इनका इतना बुरा हाल है यहाँ पे, जिस तरह से ये लोग रहते हैं ना यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस जगह का एक दिन का तकरीबन 40 जुलोटी किराया लगता है, तकरीबन 800 रुपए एक दिन के यहाँ पे भाड़े पे लिया जाता है इस रूम पे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ ये बंदे सो रहे हैं, ये इनकी हालत देखो आपके किस तरह से ये लोग। मैं सिर्फ आपको एक हकीकत से रूबरू करवाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, जो भी मेरे जो दोस्त हैं या मेरे भाई बंधु हैं जो भी अपने इंडिया से जो भी आते हैं इधर पे, वो लोग इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को कन्फर्म करके आएँ कि भैया आपको शायद इस तरह से भी यहाँ रहना पड़ सकता है। ये देखो आप यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, ये एक हॉस्टल है, ठीक है, उस हॉस्टल का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भैया दूसरा रूप ऐसा भी है कि आपको इस तरह से भी यहाँ रहना पड़ सकता है, अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आते हैं ये तो यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ सकता है रूम में रहवा। तो आप इस चीज को दिमाग में सोच के आए, समझ के आए, सारा कुछ आप देख के आए। ये आप देखो कि यहाँ पर भी ऐसा एक दूसरा भी एक पहलू है कि भैया हम जो दिखाते हैं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे जो भी बने हुए हैं किले वगैरह या जो भी है रोड सड़कें जो भी दिखाते हैं, लेकिन उसका एक ये भी एक माइनस पॉइंट है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको अगर मेरी बातों पे देखो अगर यकीन नहीं होता तो आप जो बंदे यहाँ पे आते हैं जो फंस जाते हैं आप उनसे आप एक बार कन्फर्म करो तो आपको दोस्तों सब पता चल जाए। मैं देखो यार दोस्त सच बोलता हूँ ना, इसलिए थोड़ा कड़वा लगता है आप लोगों को। आप बोलते हो भैया यार आप ऐसा बोलते हो ऐसा बोलते हो, अभी देखो ये चीज़ देखो आप किस तरह से यहाँ पे लोग रहते होंगे, वो भी यूरोपियन कंट्री में। ये भी एक आपका एक पहलू है जिंदगी का, जिस जिंदगी से आपको गुजरना पड़ता है यहाँ आके। भगवान मैं चाहता हूँ किसी को इस जिंदगी से गुजारे नहीं, जो भी आपका काम हो वो जेन्यून हो, बंदे आपको जो भी आपका एजेंट वगैरह जो भी हो आपको आराम से पहुँचाए। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसे पड़े रहते हैं लोग बाग जिसकी कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि भाई आप यहाँ कुछ ऐसा कर सको या वो कर सको। अभी जो देखो दोस्तों था मैं। आपने देखा पोलैंड के बारे में कि पोलैंड में भारतीय वर्कर कैसे रहते हैं। भाई पोलैंड जाना सबका सपना है, वहां पे 1 लाख मंथली 1.5 लाख मंथली कमाना सबका सपना है, लेकिन जहां पे ज्यादा सैलरी होता है वहां पे ज्यादा मुश्किल भी होता है।
इसीलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया है। चलते हैं दुबई से की ओर, दुबई से गुस्से में कौन सी बात बोल दी है वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। और मेरे प्यारे भाई लोग, एक बात तुम लोग ध्यान से भी सुनो, अभी बहुत आदमी इधर काम करते विजिट वीजा में या कुछ में भी, और जो कंपनी में लोग काम करते या रेस्टोरेंट हो या कंपनी हो या कुछ भी, इन लोग क्या करते, क्यों इन लोग को ज्यादा ज्यादा यकीन दिलाते, इन लोग जब काम करते हैं लोग पगार भी देते हैं, लेकिन जब वीजा का टाइम आता है इन लोग बोलते कल परसों, एक हफ्ता दो हफ्ता, ये क्या मतलब है? ये नहीं मनते वीजा देगा आपको, ये मनते तुमको काम कराएगा विजिट वीजा में या कुछ वीजा में। क्यों? तुम्हारे पास कुछ हक नहीं होते उन लोग से पूछने का। एक आदमी को हम बोला था तुम क्यों काम किया, क्यों भरोसा किया, हमको बोलते मोहम्मद भाई ये हमको पगार देता था। हम बोला अच्छा पगार देगा लेकिन वीजा नहीं देगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, पहला कौन सा कंपनी हो, कौन सा दुकान हो, कौन सा क्या भी हो, पहला तुम लोग वीजा मांगो फिर पगार, क्योंकि वीजा तुम लोग को बचाएगा पगार नहीं, ये याद रखो। पहला पहला वीजा मांगो, हमको वीजा दियो फिर हम काम करेगा, क्योंकि बहुत खतरा है विदाउट वीजा काम करेगा, और लोग तुमको पैसा भी दे। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है, दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।